राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संस्थानों का उपयोग विधेयक 2022 पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत ढांचे में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, न्यायिक सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में समता देने का संकल्प अंगीकार किया है। आज़ादी के बाद बनी सरकारों ने इसके प्रयास भी किए हैं, प्रयास जारी भी है, सरकारें प्रयत्न कर भी रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए प्रदेश में वर्षों से विभाग बने हुए हैं, वो काम भी कर रहे हैं। तब विषय है कि इस विधेयक को क्यों लाया गया, इसमें नया क्या है। माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरे विधेयक के प्रारूप को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि के माध्यम से दोनों वर्गों के लिए प्रत्येक को 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी घोषणा है ये। मेरे विचार में इतना सा काम तो बजट में प्रावधान कर देते तो भी हो जाता, लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को काम की चिंता नहीं है, काम के प्रचार की ज्यादा चिंता है। सरकार की कार्यशैली देखकर मुझे एक व्यंग्यकार की पंक्तियां याद आती है, तुम काम मत कर, काम की फिक्र कर, फिक्र मत कर, फिक्र का जिक्र कर। बार बार कह तेरा काम नहीं हुआ, तेरा काम नहीं हुआ। मैं सोचता हूं सरकार इसके अलावा कुछ कर नहीं रही है। ठीक उसी प्रकार ये सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति का काम नहीं कर रही, केवल काम के फिक्र का जिक्र कर रही है। आप धनराशि का प्रावधान कर देंगे, आपने दो दो कमेटियां का प्रावधान किया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अब मुख्यमंत्री को समय नहीं है, कब कमेटियों की बैठकें होंगी, कब क्या करेंगे। आप धनराशि का प्रावधान कर देंगे, राशि को व्यय करने के लिए आधारभूत ढांचा है क्या, इसकी घोषणा जमीन पर उतरी है क्या, यह हवा में तैर रही है, उनका भी हिसाब किताब पहले होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जिस जनजाति के उत्थान की बात की जा रही है, उस विभाग के मुखिया जनजाति आयुक्त का कार्यालय उदयपुर में है, और जनजाति आयुक्त, मैंने पहले भी निवेदन किया इस सदन में, जनजाति का आयुक्त उस जनजाति आयुक्त के कार्यालय में कोने में बैठा है। डिवीजन कमिश्नर साहब वहां बैठते हैं, वहां कोई आधार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, दो दो तीन दिन मंत्री मेवाड़ के रहे हैं जनजाति के, उसके बाद भी वो कार्यालय पर और डिवीजन कमिश्नर कब जाए, जनजाति का कार्यालय कोने में बैठा हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोजना लागू हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उनके हमारे मेवाड़ में आप देखें सर्वाधिक असर जनजाति का क्षेत्र मेवाड़ है, और वहां की स्थिति हमारे सबके सामने है। मैं दो बिंदुओं की आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे मंत्री महोदय बैठे जनजाति के मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उन्होंने 9 अगस्त को उदयपुर में एक योजना लॉन्च की, और योजना यह थी, माननीय मंत्री महोदय धारीवाल साहब आपसे निवेदन है मेरा, 9 अगस्त को योजना लॉन्च की, 100 करोड़ रुपए जनजाति क्षेत्र में सहभागिता के अंतर्गत रखेंगे, जिसमें विधायक एमपी कोटा के 30% देंगे, 70% 100 करोड़ में से जनजाति के विकास के लिए खर्च होंगे। मैंने 50 के आसपास आवेदन दिए, 50 के आसपास, वो सब आवेदन धूल खा रहे होंगे, पता नहीं कहां है वो। आपको आश्चर्य होगा, 9 अगस्त की बात है वो, उसके बाद ये स्थिति है। 100 करोड़ प्रावधान कर दिया, 1 रुपया जारी नहीं किया। हमको 90,000 अगर मैं देता हूं विधायक कोटे से, तो 2,10,000 सरकार देती है, और उसमें भी यह प्रावधान है कि 10 लाख तक की मंजूरी केवल कलेक्टर दे सकता है, उसके बाद भी एक कागज नहीं निकला है। माननीय सभापति महोदय, ये योजना केवल जमीन पे नहीं उतरी है। हमारा जो आदिवासी भाई है या जनजाति और अनुसूचित, वो आज भी है, उसकी ये स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, यहाँ बार बार हाईकोर्ट बेंच की मांग आती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले भी मैंने निवेदन किया था, राजस्थान में सर्वाधिक जो निरपराध, ऐसा कहना चाहिए, निरपराध तो नहीं कहना चाहिए, पाली का झगड़ा खेत में, एक बोतल दारू निकाल रहा है आदिवासी भाई, दारू में पुलिस पकड़ लेगी, उसके जमानत नहीं हुई, वो उसको एप्लीकेशन लगाने का कोर्ट में पैसा नहीं है। आज उदयपुर की जेल में 40% कैदी ऐसे हैं जो सामान्य अपराध के हैं, उनकी एप्लीकेशन लगाने वाला कोई नहीं है जोधपुर में। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है,
हार्ट को हाई कोर्ट बेंच स्थापित नहीं कर सकते हैं, कैंप कोर्ट आदिवासी भाइयों के लिए उदयपुर में स्थापित की जाए। जहां तक ये सदन, मैंने पिछली बार अनेक बार निवेदन किया था, जनजाति का पैसा जनजाति में खर्च होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, पिछले सालों में पैसा कहाँ खर्च हुआ? 20 करोड़ रुपए उदयपुर के सर्किट हाउस में दे दिया जनजाति का माननीय मंत्री महोदय। बांसवाड़ा में पुलिस लाइन में आरओ लग गया, प्रतापगढ़ कलेक्ट्री में एसी लग गए, उदयपुर के कमिश्नर ऑफिस में 20 लाख का फर्नीचर बना कमिश्नर ऑफिस में। ये सब जनजाति के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। और पहले तो ये किया था, पता नहीं आजकल वो स्वच्छ डिपार्टमेंट है कि नहीं है, जनजाति का पैसा स्वच्छ डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते थे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, वास्तव में मन में आप, मन आपका साफ है, मान लो आप विधेयक लाए, विधेयक को जनजाति के एससी एसटी के उत्थान के लिए लाए, परंतु वास्तव में उसका ठीक से उपयोग हो, यही मेरा निवेदन है। मुझे इतना कहना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विधेयक को विड्रॉ किया जाए जब तक लोगों को समझ में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र जी राठौड़।